वेलकम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फैक्टराइजेशन से संबंधित एक क्वेश्चन। अब जेड के जगह पर एस पे रह सकता है, इसका मीनिंग क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है किसी को कुटी कुटी कर देना, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा कर देना। किसी को हम छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देते हैं ना, उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे आठ हुआ, आठ को दो बोला क्या, मैं तुम्हें काट दूंगा। दो क्या बोला आठ को, मैं तुम्हें काट दूंगा। सही में देखो काट दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दो को क्या बोलेंगे, फैक्टर है। किसका? आठ का। क्योंकि आठ को दो क्या किया, काट दिया। तो जो जिसको डिवाइड दे देता है, शेष कुछ ना बचे, रिमाइंडर यानी कि दैट मींस जीरो बचे, उसी को बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, फिर बोला, फिर तीन में और आठ में लड़ाई हुआ। ठीक है, तीन में आठ में लड़ाई हुआ, तीन बोला आठ को कि ज्यादा अगर हीरो पानी दिखलाएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा। ये हंसने लगा, ये क्या किया, हंसने लगा। क्यों हंसने लगा, कि तो इसको बोला मैं तुम्हें काट दूंगा, लेकिन नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, देखो ऐसे करके नहीं काटा, शेष बच गया। तो ये आठ क्या हो गया, हंसने लगा, देखो कहां काटा तुम्हें। तो कहने का मतलब है तीन आठ का गुणनखंड नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे तो कोई किसी को भाग दे देगा, कोई किसी को डिवाइड दे देगा, कोई किसी को कुछ कुछ काट देगा, कोई किसी को टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, उसी को हम बोलते हैं तरीका से फैक्टर। बात समझे? अच्छा, यहां समझ गए। अब इसी का तुमको फैक्टर निकालना है। तो इसका फैक्टर जैसे कि देखो, नौ का फैक्टर क्या हो गया, एक हो गया, एक नौ को काट देगा। ठीक है, तीन भी हो गया, तीन भी नौ को काट देगा। बात समझे ना, नौ तो हो गए क्या, मतलब नौ तो मतलब एक और अपने आप को दुनिया का भी कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, या तो एक से या तो अपने आप से कटवे करेगा। इसका फैक्टर कितना हो गया, एक तीन हो गया। उसी तरीका से ये जो है, ये जो आपका सवाल हुआ, ये जो सवाल हुआ इसका फैक्टर निकालना है। ठीक है, इसका कौन यहाँ पर क्या हम देंगे, जो इसको डिवाइड करके क्या दे देगा, जीरो दे देगा। तब बताइए इसका दो फैक्टर निकलेगा। सर आप तो करो लिखिए, लेकिन कैसे पता चल गया, क्योंकि इसका स्क्वायर है दो है, इसका स्क्वायर दो है तो दो फैक्टर निकलेगा, एक फैक्टर और ये दो फैक्टर, मतलब बारी बारी से डिवाइड करेंगे, बिल्ली चूहा। अब पहली बार ये सब इस लेवल का पढ़े होंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, जहां भी जाते हो सब प्रचार प्रसार करो, क्योंकि आप लोग के हाथ में है चैनल को वायरल करना। ठीक है, अभी लेके स्कोर कर लें, कर लें, कर लें, कर लें, टिप दिए, देखने लगे फिर भाग गए, नहीं सब्सक्राइब करो, प्ले लिस्ट में जाओ, देखो आपके लेवल का कौन सा क्वेश्चन सब है। बात समझे ना, प्ले लिस्ट में जाओ, देखो आपके लेवल का कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, ज्ञान अर्जित करो, कमेंट भी करो, जो दिक्कत है पूछो। तो ये होगा फैक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे या गुणनखंड बोलेंगे, यानी कि चूहा का गुणनखंड कौन, बिल्ली, क्योंकि बिल्ली चूहा को खा गई, शेष कुछ नहीं बचा, गला बचा दिया। बात समझे ना, मतलब इस हिसाब से है, हम आपके वो फील देने के लिए फील, क्योंकि सारे साल पढ़ाते नहीं है, फील कराते हैं। ठीक है, इसे फील करने के लिए आपको बताए, क्लियर? अच्छा, तो बिल्ली क्या हो गया, चूहा का फैक्टर गुणनखंड, क्योंकि चूहा को मतलब तोड़ ताड़ के गला बचा के खा चुके और डका दे दिया बराबर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो। अब तो यार अब तक आपको फील आ गया होगा व्हाट इज फैक्टर, इतना देर पढ़ते थे फैक्टर, लेकिन आज समझ गए यार फैक्टर का मतलब ऐसा भी होता है। ठीक है, गुणनखंड बोलते हैं, आपको मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं किसका, ठीक है, दो आपको दो फैक्टर निकलेगा। अब बात करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। हर चीज में मुद्दा रहता है ना, इसको समझने का रहता है। आप क्या करो, सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, अच्छा अब इसको पहले क्वेश्चन को उतार दो, क्वेश्चन को उतार लो ऐसे करके, ऐसे करके क्वेश्चन को क्या करो, उतार लो, उतारिए, अच्छा बराबर किए, इसको सोच ऐसे करके तोड़ दो, इसको क्या करो तोड़ दो, यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो प्लस 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 टू को ए बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलो टू ए बी प्लस 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 टू को बी से तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू बी सी, फिर प्लस 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 टू को सी ए से गुना करेंगे तो टू सी ए। अब यहाँ वैसे भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा पुल्टा चलेगा, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अच्छा यहाँ पर दिक्कत।
बराबर। अब देखो, अब देखो किराना दुकान में साबुन का जो रहता है रैक, ठीक है, तो वो रैक में साबुन रखता है ना, हर चीज का रैक रहता है, आप लोग अलग अलग है ना, बिस्किट है तो वो रैक है बिस्किट का, पास समझे ना, फिर मान लीजिए साबुन है तो वो रैक है साबुन का, पास समझे ना, मतलब कोई भी चीज है, मतलब कोई भी दुकान है, कोई भी चीज है, मतलब कोई भी चीज का कोई भी दुकान है, उसमें जो सामान सब रखता है सजा के, ठीक है, जोड़ा लगा के, साबुन है तो साबुन का जोड़ा कौन होगा, सलाब है ना, साबुन का जोड़ा साबुन होगा, साबुन रहेगा, साबुन रखेगा, सर आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, बस हम ज्यादा कुछ नहीं करने की कोशिश करें, सिंपल में हम ये चीज करने की कोशिश करें, दोस्त दोस्त के सामने में बैठता है, बात है ना, मतलब एक बिरादरी जिसको बोलते हैं जात पात, वो जात में समझिएगा तुम, जात पात यानी कि एक जात पर एक जगह, एक जात पर एक जगह, एक जात पर एक जगह, ऐसा होता है, चाहे वो आदमी का जात हो चाहे वो कोई सामान का जात हो, इस तरह का। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे आप देखो ये ए स्क्वायर जैसा नहीं रहा, मतलब मिलाना है, मिलाना है, यहाँ पे देखो ये आपको आपको इस पर सेट करना है, ठीक है, चलिए इस पर सेट करना है क्लासिफिकेशन करता, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या भैया ए प्लस बी का और स्क्वायर, अब मैं अब समझे ना मैंने क्यों जात पात दिया, जात पात का, ठीक है, मतलब ये है किसका मुकार, किसके जात पात, मतलब मुकार में ना एक जैसा चीज, अब बकरी रहेगा, ठीक है, बकरी के झुंड में कुत्ता कहां से चला जाए, बकरी है तो बकरी रहेगा, बकरी का जोड़ा था बकरी से लगेगा, मेरे कहने का मतलब ये है कुत्ता का जोड़ा कुत्ता से लगेगा, पास ना, हाथी रहेगा तो वहीं पर हाथी भी रहेगा, तो मतलब सबको एक जगह आप अरेंजमेंट करोगे ना, मैथ में भी वही होता है, यहाँ पे देखो कि आपको किसके जैसा लग रहा है देखने में, ए स्क्वायर जैसा और ये बी स्क्वायर जैसा, अब प्लस टू ए भी अपने जैसा, ये टू ए भी नहीं, गलत हो गया आपका, क्योंकि देखो यहाँ पे ए है, यहाँ भी क्या है ए है, ये तो ए कैसा रहेगा, बी है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे अगर आप ई लेते हो तो ई तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए के जगह पर यहाँ पे बी है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया ना, बात समझे ना, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि देखो ए है इसको ए मानेंगे, मानेंगे क्योंकि इसको सेट करेंगे, इसको सबको सेट करेंगे इस पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए ए के जगह पर ए रहना चाहिए, ए का रहेगा तो बी है, टू ए बी बी के जगह पर सी है, यहाँ पे तो बी है, गलत हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका बिरादरी कहाँ है, इसका जात कहाँ है, इसके कैटेगरी का आदमी कहाँ है, पास ना, इसके मुकर वाला आदमी कहाँ है, इसके मुकर वाला आदमी यहाँ है, इसको इधर बुला लो, ठीक है, इन दोनों को फेंक दो इधर, क्योंकि मतलब अब दस दो बकरी है, दो और है बकरी, कुत्ता भी है, आप क्या करोगे, कुत्ता को बोलोगे चलो बकरी के हिस्से है ना, आप क्या करोगे कुत्ता को छोड़ दोगे, बकरी बोले क्या, क्योंकि जात जात मुकर एक जैसा मिलना चाहिए, ठीक है, बात समझ ना, अच्छा ऐसे हो गया, तो इसको आप सैतरी दो ऐसे सर, अब इसको यहाँ पे क्यों रखा है, इन दोनों को बगल में इसको क्यों नहीं रखे, तो कुत्ता भी डाल रहा है, एक डाल बोलती है ना, क्योंकि बकरी बकरी जैसा है, सिर्फ बकरी में बकरी मैच कर गया, पास हो ना, इसलिए यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर यहाँ पे देखो ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर अब प्लस टू ए बी पर, सर ई सब मैंने सेट करता, अब यही को क्यों लिखे, देखो चेक करो ए यहाँ भी है ए यानी कि बी मतलब यहाँ भी बी एकदम मस्त सेटिंग हो गया, फिर बी यहाँ भी है जैसा, फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी तो बी के जगह पर सी है, या तो बी के जगह पर सी है, तो ये इसके साथ मैच करना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, ये इसके साथ मैच करना चाहिए, बाकी इसमें नहीं करेगा, देखो यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है, ये दोनों मैच नहीं करेगा, ये किया, बात समझे, अच्छा इसलिए मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मेरा ये थोड़ा मैच कर गया, टू ए बी ए के जगह पर बी, अरे ए के जगह पर बी, टू ए बी बी के जगह पर सी, अरे बी के जगह पर सी, ये दोनों मैच नहीं करेगा, ठीक है, इसी को देखिए बी का जगह पर बी है, एक का जगह पर बी है, एक का जगह पर सी है, यानी कि नहीं किया मैच, ठीक है, अब देखो अब दिमाग लगाओ, आपको अंडरलाइन करना है समझाने के लिए, इतना का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चे लोग, देखो ये इसके जैसा लग रहा है, इसका फॉर्मूला ये होगा, तो यहाँ पे ए भी है, तो यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे ए के जगह पर बी है, तो यहाँ पे बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसको छुट्टा बता दो, ऐसे करके छुट्टा बता दो, हो गया, अब यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे बी प्लस सी देंगे होल स्क्वायर, प्लस है अच्छा, फिर दोनों में कॉमन निकालो, अब दोनों में कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो हमको नहीं पता, अगर आप थोड़ा पढ़े रहोगे प्रैक्टिस करोगे तब तो आपको हमेशा सवाल बताएगा,
दोनों में दो दो मिला तो दो, दोनों में फिर क्या मिला, ए मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे कोश देखिए, इसको ऊपर इसको नीचे, तो बी जोड़ सी हो जाएगा, ठीक है। देखना थोड़ा सा वीक है स्टूडेंट को, तब मैं आपको बताता हूँ। दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब क्या, एच सी एल यानी कि महत्तम समापक वर्ग, ठीक है। तो दोनों में क्या मिला, देखो इधर देखिए मेरे सहयोगी ऊपर टू ए बी, तो टू गुने ए गुने बी, ठीक है। टू सी ए, सत्ताईस है, ठीक है, सत्ताईस है और यहाँ पर तीन है, हम यहाँ पर क्या देंगे कि सत्ताईस आएगा, हम कैसे पता करते हैं सत्ताईस को क्या देते हैं ऊपर, ये तीन को क्या देते हैं नीचे, कट गया कट गया, नौ है नौ देते हैं, देते तब तीन नंबर सत्ताईस हो गया। एग्जैक्टली यहाँ पर सेम चीज अप्लाई करो, टू ए भी यहाँ पर, टू ए भी है तुम्हारा, टू ए भी है और दू ए आप निकाल दिए हैं, यहाँ पर क्या देंगे उसी प्रकार, इसको क्या दो ऊपर, इसको क्या दो नीचे, गुना है गुना है गुना है, दो के बीच में कुछ, दो चीजों के बीच में कुछ नहीं रहता, गुना रहता, कट गया कट गया कट गया कट गया, बी आया तो बी देंगे इसको, इसको गुना कर दो, चेक करो आ गया, बात समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, कार्ड क्या आया, अभी आया था, अभी दे देंगे जो, फिर वही डालो, इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर में रखेंगे यानी अंश, अंश में ऊपर ऊपर, इसको नीचे, तो ई टू से ई टू कर जाएगा, ए से ए कर जाएगा, सी हो गया, ठीक है। अब जल्दबाजी नहीं करेगा, ठीक है, कहा बात है मिथिला में हड़बड़ी कभी हमें गड़बड़ी, ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करेगा, यहाँ से मिलाओ, ठीक है, कहा बात है हड़बड़ी के बिहार में गड़बड़ी, हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पे मिलाओ, यहाँ पे प्लस 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 टू ए को बी से मिलाएंगे तो टू ए बी, प्लस 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 टू ए को सी से करेंगे तो टू सी ए, बना ना उल्टा उल्टा चलेगा, गुना है ना, तो पांच गुने सात हुआ तो तुम पैंतीस लिखते हो, सात गुने पांच तो तुम छत्तीस लिखते हो, पैंतीस से लिखते हो, गुना उल्टा उल्टा चलेगा, चक्रो 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 प्लस 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 टू ए को बी से करेंगे तो टू ए बी, प्लस 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 टू ए को सी से करेंगे तो टू सी ए, मिल गया। अच्छा फिर यहाँ पे बराबर देंगे, अभी कितना टर्न हो गया, दो टर्न हो गया, क्यों क्यों दो टर्म हो गया, देखो एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म और दो टर्म, जोड़ घटाव थकरा लगाता है और गुणा सड़ा करवाता है, जैसे देखो ये हो गया ना, ये हो गया एक टर्म, एक पद हो गया, टर्म मतलब पद, टी ई आर एम टर्म, टर्म मतलब पद, एक पद हो गया, क्योंकि गुणा में है ना, गुणा गुणा जो होता है ना सलाह कर पाता है, और यहाँ पर अगर ये दे देंगे, ये दे देंगे, जोड़ घटाव झगड़ा जो होता है झगड़ा करवाता है, अब कितना पद हो गया, एक पद ये दो पद और तीन पद हो गया, बात समझ ना, यहाँ पे जो यहाँ है एक पद है दो पद, फिर दोनों में कॉमन निकालेंगे, फिर वही बड़ा डर, ये दो बार है इस दोनों में कॉमन क्या होगा, बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, बी प्लस सी दे देंगे, बात समझे, अब यहाँ पे कोष्ठ को बदल दो, देखो कोष्ठ से कोई मतलब नहीं है, ये बड़ा कोष्ठ दो या ये दो या ये दो, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अब तो दोनों में कॉमन क्यों आया, ये आया कैसे आया वो मैं करके दिखा देता हूँ, ये दो बार है तो दो बार लिखो आप लोग, एक बार और ही दो बार, दो बार लिखो, फिर देखो टू ए इंटू बी प्लस सी है तो टू ए इंटू बी प्लस सी है तो टू ए गुना में अलग अलग स्प्लिट कर दो, स्प्लिट मतलब अलग अलग कर दो, ठीक है, यानी एस सी है, एस सी है बोलो एस सी है बोलो की बात है, तो क्या मिला, ये इस दोनों में मिला तो बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो बी प्लस सी इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो किया था ना वही वाला, फिर इसको क्या देगा, ऊपर में, ऊपर में न्यूमिनेटर अंश में, इसको नीचे में दो है एक ओ, ये ऊपर में देगा ये क्या दे देगा, नीचे में दो में से गया तो कट गया, ठीक है। अब अगर ऐसे नहीं समझो तो दो बार कट के काट दो, एक बार और ये दो बार, अब अटे में बी प्लस सी हो गया, ठीक है, कट गया ए वो बचा, ठीक है, कैसा भी कट के कर सकते, फिर देखो इसको क्या रखेंगे ऊपर, इसको नीचे में, आपको नहीं लगता है इसको ऊपर देंगे इसको नीचा देंगे तो टू गुने ए गुने बी प्लस सी, अब बटे कितना बी प्लस सी, कर गया टू ए बचा, इसलिए पहले तो मैं लिख देगा ना, इसको ऊपर देंगे इसको नीचे दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी प्लस सी, बात समझे ना, और यहाँ पे मैं कर गया क्या हो गया टू ए हो गया, यहाँ पे प्लस टू ए प्लस है तो प्लस दिए माइनस रहा था तो माइनस दिए। अब देखो फिर मैंने बोला आगे नहीं बनाना, आगे मत बनाइएगा, मिलाइए यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट दिया, इधर भी ब्रैकेट दिया, ये ब्रैकेट आप कोई भी ब्रैकेट दे सकते हो, देखो देखने में थोड़ा खराब लगता है, ये ब्रैकेट देखने में खराब लगता है, इसलिए आगे कोई रीजन नहीं, ठीक है। प्लस चेक करो मिल गया ऊपर का, तो सही है तो सवाल करो, प्लस प्लस प्लस
इसको इससे करोगे गुना मतलब बजा लिया, गुना में पावर जुटा है, गुना है एक है, यहाँ पे पावर एक है, एक है दो हो गया। अच्छा फिर प्लस और प्लस प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो देखा अच्छा ना, तब आगे बढ़िएगा, फिर बना रहा है आगे बढ़ गया, फिर आप लिख गया सब खुश है सही है नहीं ऐसे कैसे तो लोग। अच्छा ये सब रख लीजिएगा समझाने के लिए, इसको बता दो फिर समझाने के लिए। अच्छा हो गया, अब इसके यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे देखो अब नीचे बनाना है पेज रहेगा तो नेक्स्ट कर दी। अब उन लोगों ने फिर तीर्थ दिए पिता ने करता है ठीक है, उन लोग कहाँ से लगता होगा लेकिन करता है, हम तीर दिए अब रेस्टोरेंट भी तीर दे देगा। ऐसे देखो नमूना से कम कर ये बी प्लस सी, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लो आपका अपना मर्जी है, क्वेश्चन कर लो यहाँ पे क्वेश्चन कर लो इसको अगर हम डिवाइड देंगे इसमें ये यहां पर इसको हटा के बी और सी में अगर हमें डिवाइड दूंगा तो शेष क्या आएगा जीरो, बात समझ रहा, इसको भी यहां पर रख के मैं डिबार दूंगा फिर भी क्या आएगा शेष जीरो, यानी कि ये इसको उठा उठा कर बाजार गया यानी कुछ कुछ डाल दिया, बात समझ ना, यानी कि इसका ये फैक्टर हो गया, यानी कि ये फैक्टर हो गया इसका, ये भी इसको उठा उठा कर बाजार दिया कुछ कुछ डाल दिया शेष जीरो हो गया, यानी कि ये फैक्टर हो गया इसका, मेरे पहले का मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा, इसलिए मैंने आपको फील देने के लिए बीच का अदर एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है। अच्छा जिसे आपको दिमाग में घुस जाए एक्चुअल में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुणनफल दैट मींस फैक्टर है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एक बार दिखा दीजिएगा अच्छा से पूरा, फिर अगर कोई दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पूरा फैला दो ठीक है, पूरा फैला दो, कहीं भी जाते हो खेलने के लिए, कहीं भी जाते हो स्कूल कॉलेज कहीं भी जाते हो उसको चैनल के बारे में बताओ, चैनल को पूरा लाइक करो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कुछ भी दिक्कत होता है तो बोलो सर हम वहां पर नहीं समझे, हम इसको फिर से अगर होगा तो मैं आपको बना दूंगा ठीक है। यूं प्यार बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए थैंक्स धन्यवाद।